दोस्तों नमस्कार, मैं तिलक प्रसाद पांडे आप लोगों का टेक्निकल न्यूज चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हुआवे चीनी कंपनी ने भारतीय मार्केट में आज अपना एक लेटेस्ट टेबलेट किया लॉन्च, जिसका नाम मीडिया पैड M5 है। इस टेबलेट को पिछले वर्ष चीनी मार्केट में पहले ही लॉन्च कर चुकी है कंपनी, अब इसको भारतीय मार्केट में किया है लॉन्च। इस टेबलेट में आपको एक स्टाइलस पेन कंपनी उपलब्ध करा रही है। इस टेबलेट में क्वाड स्पीकर मिल रहे हैं आपको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस टेबलेट के अन्य फीचर्स के बारे में, बात करते हैं इस टेबलेट की कीमत के बारे में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले मैं बात करूं इस टेबलेट के डिजाइन के बारे में, तो अगर बैक पैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। मेटल बॉडी इसमें कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा इसके बैक पैनल में आपको एक कैमरा मिल रहा है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल डिजाइन की, तो यहाँ पर 16:9 का आपको डिस्प्ले मिल रहा है। 10.1 इंच की जो डिस्प्ले है, अच्छी डिस्प्ले है। इसके अलावा इसके फ्रंट पैनल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा इसके फ्रंट पैनल में आपको क्वाड स्पीकर मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टेबलेट के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है 10.1 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो 2.5D कवर्ड डिस्प्ले है और जिसका रेजोल्यूशन 1940x1200 है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टेबलेट के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है सिलिकॉन का किरिन 659, जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.7 गीगाहर्ट्ज़ है। इसके अलावा इसके प्रोसेसर में आपको मिल जाता है GPU माली का T830। दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है काफी हद तक अच्छा है। अगर बात करते हैं इस टेबलेट के अब स्टोरेज के बारे में, तो कंपनी एक ही वेरिएंट भारतीय मार्केट में अभी इसको लॉन्च किया, जो इसका वेरिएंट है 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 512GB तक कर पाएंगे। तो अगर बात करते हैं इसके एंड्रॉयड वर्जन का, तो कंपनी इसमें दे रही है एंड्रॉयड का 9.0 पाई वर्जन और यह रन करने वाला है MIUI 8.0 पर, जो कंपनी का खुद का है। तो दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस टेबलेट के कैमरा के बारे में, तो जो इसके रियर कैमरा है वो सिंगल है, वो 8 MP का है, जिसका अपर्चर F2.0 है और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी 8 MP का है, उसका भी अपर्चर F2.0 है। और दोस्तों अगर बात करें इस टेबलेट के वजन की, तो इसका वजन लगभग 500 ग्राम है। और दोस्तों यह टेबलेट आपको एक ही कलर में मिलने वाला है भारतीय मार्केट में, गोल्ड कलर में। अगर बात करते हैं आगे इस टेबलेट के बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी पावरफुल बैटरी इस टेबलेट में उपलब्ध करवा रही है, 7500 mAh की बैटरी, जो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लंबा टॉक टाइम आपको देने वाली है। और दोस्तों इस बैटरी के साथ आपको कंपनी दे रही है 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी इस टेबलेट में आपको दे रही है 3.5 mm का ऑडियो जैक। इसके अलावा इस टेबलेट में जो साउंड इफेक्ट है वो 3D होने वाले, काफी अच्छी साउंड क्वालिटी इस टेबलेट में आपको सुनने को मिलेगी। इसके अलावा यह सपोर्टेड है Wi-Fi और इसके अलावा इसमें आप सिंगल 4G सिम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कंपनी दे रही है ब्लूटूथ 4.0 का GPS और इसमें आपको कंपनी उपलब्ध करवा रही है USB Type-C। इसके अलावा इसमें कंपनी दे रही है ग्रेविटी सेंसर, एम्बिनेंट लाइट सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर इसके फ्रंट पैनल में मिलने वाला है, इसके अलावा कैंपस सेंसर। इसके अलावा इसके साथ आपको एक स्टाइलस पेन मिलने वाला है इस टेबलेट के साथ, और इस टेबलेट में आप फेस अनलॉक का भी यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस टेबलेट के कीमत के बारे में, जो कंपनी ने भारतीय मार्केट में रखी है, तो इसकी कीमत 21,990 रुपये कंपनी रखी और यह आपको ओनली ऑन फ्लिपकार्ट पर ही मिलने वाला है। इसको अगर आप करना चाहते हैं परचेज, तो 29 सितंबर से फ्लिपकार्ट में लगने वाली है सेल, वहां से आप इस टेबलेट को परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों का इस टेबलेट के बारे में क्या कहना है, कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा। जय हिंद।